हैप्पी वैलेंटाइन डे। हर कोई खुश नसीब जोड़ी को इस दिन का बेसब्र इंतजार रहते हैं। कितना अच्छा नाम है वैलेंटाइन डे। हुआ अगर कोई ऐसा यंत्र हो जो पूरे देश या पूरे वर्ल्ड में कोई लवर पॉइंट, पार्क, होटल, जहाँ पर भी प्यार का तोहफे लेकर मिलते हैं, खेलते हैं, झूमते हैं और चूमते हैं, उन सब का नज़ारा अगर हम देख सके तो दोस्तों, आसमान में जिस तरह तारे चमकते हैं वैसा ही प्यार चमकती नज़र आ सकता है। कितना बढ़िया दिन है वह 14 फरवरी वैलेंटाइन डे। लेकिन दोस्तों, जितना अच्छा नाम है उतना ही दुख भरी कहानी है। तो दोस्तों, क्यों मनाया जाता है ये वैलेंटाइन डे? ये वैलेंटाइन डे क्या है? 14 फरवरी को क्यों मनाया जाता है? तो इसके बारे में थोड़ा जानते हैं। आज से तकरीबन 2000 साल पहले 3री शताब्दी में रोम में एक राजा था जिसका नाम था क्लोबियस। वह एक क्रूर राजा था। एक बार सेना को ऐसा हुक्म दिया कि कोई भी सैनिक प्यार नहीं करेगा, शादी नहीं कर सकता। कारण, वह स्वास्थ्य और मानसिक रूप से कमज़ोर पड़ेगा। यह बात धीरे धीरे पूरे राज्य में फैलने लगे। सेना को बीच भी नाराज़गी शुरू हुई। लेकिन एक संत था जिसका नाम था वैलेंटाइन। उसने इस बात को विरोध किया और कई सैनिकों को प्यार के लिए उसने बढ़वा दिया। कई सैनिकों को शादी भी करवाई। लेकिन इस बात को सुनकर राजा नाराज हुए और उस संत वैलेंटाइन को बंदी बनाया। संत वैलेंटाइन एक चमत्कारी भी था। कई बीमारियों को वो अपने उसका ताकत से, उसका शक्ति से ठीक कर सकता था। बंदी के दौरान में एक जेलर, जिनका लड़की आंख नहीं देख पाता था, उसने अपने लड़की के बारे में वैलेंटाइन को बताया। तो वैलेंटाइन ने उनका अपने शक्ति से, ताकत से प्रार्थना की और कुछ दिनों बाद वो ठीक हो गई। ठीक होने के बाद जब उनसे मिलवाया, आपस में कभी बात हुई और देखते ही उन दोनों के बीच प्यार होने लगा। ये बात सुनकर राजा को और भी गुस्सा आया। तो राजा ने वैलेंटाइन को फांसी देने का दिन तय किया। वो दिन था 14 फरवरी। फांसी के ठीक एक दिन पहले वैलेंटाइन ने अपने प्यार के लिए उस लड़की को एक पत्र लिखा। उस पत्र बिल्कुल प्यार भरा पत्र था और प्यार की पत्र के आखिर में लिखा, फ्रॉम योर वैलेंटाइन। उसी दिन से इस 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे के नाम पर प्यार करने वाले ग्रीटिंग्स कार्ड देते हैं, प्यार करते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं और उसके नीचे फ्रॉम योर वैलेंटाइन लिखने का प्रथा आज भी है। और साथ ही साथ बी माई वैलेंटाइन भी लिखते हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसे लगा? प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम आने वाली वीडियो में भी आपके साथ मिल सकें। धन्यवाद।